जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी सारे लोगों ने, कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए कि आप कीवर्ड्स का कंपटीशन कैसे चेक करते हैं और कीवर्ड का कंपटीशन किस तरह चेक करना चाहिए। तो उसके हवाले से जो है ना हम बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोज को, ये बेसिकली पेड है, इसको मैंने ओपन कर रखा है। पेड और फ्री दोनों से जो है ना हमारा काम हो सकता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ गूगल में एक कीवर्ड सर्च किया है, टोमेटो। हम यहाँ से कुछ कीवर्ड्स फाइंड करेंगे, देन उसका एनालिसिस करेंगे कि उसके ऊपर क्या कंपटीशन है, क्या हम रैंक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो फॉर एग्ज़ाम्पल टोमेटो इज़ अ फ्रूट और वेजिटेबल, तो ये एक कंपैरिजन कीवर्ड है। और मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा, नहीं तो ऐसा करते हैं कि सिर्फ टूल का जो तरीका है वो देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मेरे पास आए हैं। यहाँ से जो सेकंड कीवर्ड है, हमेशा कोशिश करें कि लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करें। अच्छा, नंबर वन जो है ना वो ये कि आपने ऑल इन टाइटल चेक करना है, एग्जैक्ट कितने वेबसाइट्स हैं इसके ऊपर जिन्होंने टारगेट किया। 256 वेबसाइट्स। अब ये एक साइन है, सबसे नंबर वन है कि ये एक हाई कंपटीशन कीवर्ड है। ठीक है, ये एक छोटा सा साइन मिल चुका है। मज़ीद सिर्फ इसी साइन के ऊपर आपने इसको जज नहीं करना, आपने इसको कॉपी करना है। ठीक है, और इसको आपने यहाँ से मोज का जो पेड वर्जन है, पेड जो टूल है, वो आपने यूज़ करना है। अब यहाँ अगर आपके पास नहीं है, एक्सेस नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसकी जो फ्री एक्सटेंशन है, मोज़ की फ्री एक्सटेंशन, उसको यूज़ करेंगे, उसके ऊपर साइन अप करेंगे। उसको आप गूगल क्रोम के अंदर इंस्टॉल कर लें एक्सटेंशन को, और उसके ऊपर साइन अप करके, तो वो जो एक्सटेंशन है वो आपको टॉप 10 रिजल्ट्स का या टॉप 20 रिजल्ट्स का जो डी है, ए है, यानी डोमेन अथॉरिटी, वो आपको शो करेगी। तो क्यों हम मोज़ की जो डोमेन अथॉरिटी है, वो इसलिए कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट मैं समझता हूँ, और अदर जो SEOs हैं वो भी यही मानते हैं कि इसका जो डोमेन अथॉरिटी स्कोर है वो काफ़ी ऑथेंटिक होता है, तो इसलिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ये कीवर्ड इंटर किया है, और यहाँ से जो लोकेशन है वो कर देता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स और एनालिसिस। अच्छा जी, तो ये जो टूल है ये हमें दिखा रहा है, ऑब्वियसली आपको जो इसका एक्सटेंशन होगा वो इसका वॉल्यूम नहीं दिखाएगा। ठीक है, इसका जो CTR है वो नहीं दिखाएगा, इसकी जो प्रायोरिटी है वो नहीं दिखाएगा, लेकिन इसका जो टॉप 10 रिजल्ट्स का जो डोमेन अथॉरिटी स्कोर होगा वो आपको ये लाजमी शो करेगा। ठीक है, बाकी इसका जो वॉल्यूम है वो चेक करने के लिए आपने सर्वर SEO यूज़ कर लेना है। अच्छा टूल है, बेहतरीन टूल है, आपको बेहतरीन आइडिया देगा सर्च वॉल्यूम के हवाले से। स्टिल सर्च वॉल्यूम जो है ना वो किसी भी टूल का एक्यूरेट नहीं होता ना, तो जस्ट एन आइडिया होता है। तो यहाँ पर टॉप जो 10 रिजल्ट्स हैं, टॉप 9 जो रिजल्ट्स हैं वो इसने शो किए हैं। अब आपने क्या देखना है कि यहाँ पर जो टॉप 10 रिजल्ट्स के अंदर जो लो अथॉरिटी डोमेन जो स्कोर है वो आपने यहाँ पर देखना है। नंबर 1 पर है 77, सॉरी ओपन कर दिया मैंने इसको, 77 स्कोर है, जो कि एक हाई स्कोर है और एक एस्टेब्लिश बहुत बड़ी मगरमच्छ है ये कह लें। 66 स्कोर है। ठीक है, इस कीवर्ड के ऊपर जो रैंक कर रहा है, 83 है, 87 है, 68 है, 70, 25। तो यहाँ पर हमें 7th नंबर पर 25 स्कोर का एक वेबसाइट मिला है। स्टिल स्टिल यहाँ पर मज़ीद आगे देखें, 56 और 90 है। अब टॉप 9 के अंदर हमें ये एक वेबसाइट जो है ना वो मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो ये साइन है, सेकंड ये साइन है, जो फर्स्ट साइन था वो था कि हाई कंपटीशन। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे कि मैंने क्यों कहा था हाई कंपटीशन, ऑल दो क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो बड़े बड़े वेबसाइट्स हैं उस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहे हैं। ठीक है, अब नंबर 3 पर आपने चेक करना है कि अगर ये वेबसाइट 25 DR का रैंक कर रहा है, तो इस वेबसाइट की एज क्या है और एग्जैक्ट इस पेज के ऊपर कितने बैकलिंक्स बने हुए हैं। चलिए पहले चेक करते हैं वेबसाइट की एज, यानी डोमेन एज चेक करते हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ पर सर्च करना है डोमेन एज चेकर। ठीक है जी,
डोमेन एज चेकर, और 25 इसको कॉपी कर लें, कॉपी लिंक, यहाँ करें इसको पेस्ट। कीवर्ड्स की सिलेक्शन नॉट अ कप ऑफ टी कि आप सिंपली टूल पर जाएं, कीवर्ड्स के टॉपिक के ऊपर एक्सट्रैक्ट करें और आपको सारे के सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। आपको एक एक कीवर्ड को चेक करना होता है, रिसर्च करके उसको देखना होता है कि मैं रैंक कर सकूंगा इसके ऊपर या नहीं। तो आई थिंक ये टूल कुछ काम का नहीं है, तो कोई और देख लेते हैं। एक एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हैं, डोमेन एज चेकर एक्सटेंशन के नाम से है वो। मैं इस वक्त सफारी के अंदर हूँ इसलिए यहाँ पर पता नहीं है वो इसके अंदर इंस्टॉल होगी या नहीं, मुझे नहीं पता। तो ये देखें 23 ईयर्स और 9 मंथ्स जो है ना इस वेबसाइट की एज है। यहाँ से शो होता है कि ये वेबसाइट भी एक एस्टेब्लिश वेबसाइट है, एक एज्ड वेबसाइट है, जिसके साथ आप कंपटीशन नहीं कर सकते। अगर करना चाहते हैं तो फिर आपको चाहिए बैकलिंक्स, और आप किसी भी वेबसाइट के साथ कंपीट कर सकते हैं। आपको बैकलिंक्स चाहिए, पावरफुल बैकलिंक्स चाहिए, हाई क्वालिटी बेहतरीन कंटेंट आपको चाहिए उसके लिए, तो आप कंपीट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से ये चीज़ कन्फर्म हो गई। अब ये दो तीन ऐसे साइंस थे जिनके ज़रिए पता चलता है कि ये जो वेबसाइट्स हैं, ये जो कीवर्ड है इसके ऊपर कंपटीशन बहुत हाई है, आप इसके ऊपर रैंक नहीं कर सकते। अच्छा, सेकेंड नंबर पर आपने चेक करना है उस पेज के ऊपर और उसकी रूट डोमेन के ऊपर कितने बैकलिंक्स बने हुए हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, ये तो कंफर्म ऑलरेडी कर चुके हैं हम कि ये एक हाई कंपटीशन है, लेकिन ये जो टूल है ये आपको साथ में ये भी बताएगा, इसका जो फ्री एक्सटेंशन है वो भी आपको इसका आइडिया देगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो पेज को 9 बैकलिंक्स मिले हुए हैं और डोमेन को, रूट डोमेन को 430 रेफरल डोमेन जो है ना वो मिली हुई हैं। तो ये एक हाई कंपटीशन कीवर्ड है, ठीक है जी। और इसके अलावा कुछ फैक्टर्स और भी हैं, दरमियान में जो है ना गैप आया, तो मेरे जहन से बहुत सारी बातें निकल गई हैं जो मैंने डिस्कस करनी थी।